टाइम हो रहा है 3:46, टाइम हो चुका है। अब वर्कआउट का टाइम हो रहा है अपना 4 बजे से, 4 बजे। आप चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 4 बजे वर्कआउट करना है, 3:30 बजे जगा था और अभी 3:48 हो चुके हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, मुंह धो के वर्कआउट करने चलते हैं। ये आज की कंडीशन, करते वर्कआउट स्टार्ट। बिना कपड़ों के ही कर लेता हूँ दोस्तों वर्कआउट, क्योंकि जिम में तो कोई है नहीं, तो बिना कपड़ों के ही कर लेता हूँ। 5 बजे मैं खुद ही जिम खोलूँगा, कोई आने वाला तो है नहीं 5 बजे तक, तो इसलिए बिना कपड़ों के। तो आए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा मेरी बॉडी के कटिंग के पहले दिन में। तो आज से अपन कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। डाइट में बहुत कुछ कम कर देंगे, वर्कआउट डबल कर देंगे, पानी ट्रिपल कर देंगे। तो वर्कआउट अब मैंने सुबह के 4 बजे से 5 बजे तक वर्कआउट करूँगा। 5 बजे मेरी पीटियाँ आ जाएंगी, तो पीटियाँ वर्कआउट कराऊँगा, क्योंकि मैं एक जिम में ट्रेनर हूँ। तो 5 बजे तो अपन को वर्कआउट कराना होता है, तो अपन कर रहे हैं 4 बजे से 5 बजे तक खुद का वर्कआउट, और बिना कपड़ों के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिम में कोई है नहीं। बिना कपड़ों के साथ करूँगा तो पसीने में वैसे मेरी टी शर्ट वगैरह ख़राब हो जाएंगे, फ़ायदा क्या है, जिम में कोई है नहीं, मैं अकेला ही कर लेता हूँ बिना कपड़ों के, और क्या। तो स्टार्ट अपने वर्कआउट कर दिया है, ट्रेडमिल चालू कर दिया है स्पीड में। तो वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मिलते हैं 5 बजे। एक घंटे तक कर। तो गाइस देख रहे हो कितना आसान होता है बॉडी बनाना, बहुत आसान होता है भाई बॉडी बनाना। तो गाइस आज हमारा कटिंग का तो सिर्फ पहला दिन है और हालत बुरी होने वाली है, और हमारे रोज दिन की शुरुआत होगी सुबह 3:30 बजे से। 3:30 बजे जगना होगा, आधे घंटे में फ्रेश होके 4 बजे वर्कआउट करना होगा, 5 बजे से फिर जिम में ड्यूटी करनी होगी, ट्रेनियों को सिखाना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी, और फिर दोबारा से वर्कआउट दिन में 11 या 12 बजे करेंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं, दौड़ लेता हूँ मैं, और अभी आधा घंटा हुआ है। तो गाइज 5 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं और हमने वर्कआउट कर लिया ख़त्म। अब हम तैयार होकर जिम में आ जाएंगे, क्योंकि 5 बजे पीटी आ जाएगी तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो गाइस अब ले लेता हूँ मैं प्रोटीन, क्योंकि कटिंग के टाइम पे ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा के रखनी है, और ये प्रोटीन इससे मिलेगा मेरे को 24 ग्राम प्रोटीन, और इसके बाद अपन कुछ नहीं खाएंगे लगभग 4 घंटे तक। ठीक है गाइस, मिलते हैं 4 घंटे बाद अगली डाइट में। तो गाइस जो लोग सोच रहे हैं कि प्रोटीन पी रहा है, डब्बा पी रहा है, उससे बॉडी बना रहे हैं, तो भाई एक बता दूं, ये एक डब्बा है ना जो मेरा सिर्फ 25 दिन चलता है, वो 5,000 रुपये का आता है। ठीक है, और डाइट का खर्चा अलग। तो बॉडी बनाने में पैसा तो लगता है, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, सिर्फ दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, दूध से बनता है, एक डब्बा बनाने में काफ़ी लीटर दूध खर्च होता है जब जाके बनता है। ठीक है, तो गाइज अभी बज चुके हैं 5:07 और मैं आ चुका हूँ जिम में। जिम में अभी कोई नहीं आया है, थोड़ी देर में मेरी पीटी आ जाएगी, फिर मैं उसे वर्कआउट कराऊंगा। मिलते हैं 8:30 बजे डाइट के टाइम पे। ओके गाइज, पंद्रह करना, तो गाइस 8:30 बज चुके हैं, डाइट का टाइम होने वाला है। डाइट का टाइम होने वाला है, क्या है, डाइट का टाइम हो चुका है, तो अपन डाइट तैयार कर लेते हैं। कटिंग वाली डाइट तो पहले, सबसे पहले लेते हैं अपन अंडे, 6 एग वाइट
लेने हैं इसमें। अंडे बॉल करने रख दिए हैं और तैयार कर लेते हैं ओट्स। 80 ग्राम ओट्स ले रहे हैं। ये हो चुके अपने 80 ग्राम ओट्स। इनको मैं गर्म पानी में डाल दूंगा और ये पक जाएंगे। तो मैं अपनी मील ले लेता हूँ, मिलते हैं अगली मील में, वर्कआउट के टाइम मिलते हैं। ओके, ग्राम चिकन और 100 ग्राम राइस ले लिया अपने वर्कआउट करने के बाद। अब इसको खा के हम सो जाएंगे, मिलते हैं शाम को 5 बजे। तो गाइस जब हमारी ये लास्ट मील तैयार हो रही है और इसको खा के वीडियो को अपन करते हैं यहीं ख़त्म। इसमें है चिकन, ये लास्ट मील है अपनी 8:30-9 बजे, 200 ग्राम चिकन। तो गाइस आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।